सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप फ्लिपकार्ट पे लेटर के लिमिट को इनक्रीज कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले मैंने यहाँ से फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन कर लिया और ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आया और आपको यहाँ पे अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन नीचे दिखाई देगा फ्लिपकार्ट पे लेटर, तो आपको यहाँ से इस फ्लिपकार्ट पे लेटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और आप देखिए यहाँ पे जो है 30,000 मेरा पहले से अवेलेबल बैलेंस है, मैं आपको इसे क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 30,000 का अवेलेबल क्रेडिट कार्ड का लिमिट पहले से ही है और मुझे जो है ये बढ़ करके 50,000 का नोटिफिकेशन आया हुआ है। इनक्रीज योर क्रेडिट लिमिट यहाँ पर देख सकते हैं तो 50,000 वैलिड टिल June 7, यानी कि 7 जून तक ये वैलिड है कि हम 7 जून तक इसको 50,000 रुपया बढ़ा के कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने फ्लिपकार्ट पे लेटर का लिमिट बढ़ा सकते हैं। आपको जितना का फ्लिपकार्ट पे लेटर में लिमिट मिला है उससे ज़्यादा आपको ऑप्शन आएगा कितना तक बढ़ेगा। और अगर आपने फ्लिपकार्ट पे लेटर ओपन ही नहीं किया अभी तक तो कैसे करना है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर फ्लिपकार्ट पे लेटर चालू कर सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए मैं यहाँ से इनक्रीज लिमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैसेज आया हुआ है वी कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट, तो हम इसको फिर से करते हैं, ट्राई करते हैं। यहाँ पे इंक्रीज लिमिट का ऑप्शन लिखा हुआ है, तो चलिए मैं यहाँ से हॉटस्पॉट दिया हूँ किसी को। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ फिर से इसे इंक्रीज लिमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ फिर से ट्राई करके। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है वी हैव रिसीव्ड योर कॉन्स्टेंट, योर लिमिट विल बी इंक्रीज शॉर्टली, तो ये बता रहा है जो हमारा मैंने जो यहाँ पे सबमिट किया वो इसको प्राप्त हो चुका है और योर लिमिट विल बी इंक्रीज शॉर्टली, तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है मतलब बहुत जल्दी जो है हमारा लिमिट जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 30,000 है और ये बाद में फिर ये मेरा अभी हो जाएगा, अभी तुरंत से अपडेट नहीं हुआ है लेकिन ये हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कब तक होता है, फिर जैसे ही हो जाएगा मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो यह है यहाँ पे अवेलेबल क्रेडिट ये 50,000 हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इसमें 50,000 में फ्रेंड्स जो है 8,000 रुपये तक का सामान हम एक बार में डाउन पेमेंट में ख़रीद सकते हैं और 50,000 रुपये का जो है हम EMI खरीद सकते हैं। इसमें EMI पे कभी कभी इंटरेस्ट लगता भी है और कभी नहीं भी लगता है। और साथ में ये भी बता दें फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है फ्लिपकार्ट पे लेटर को यूज करके क्या क्या फ़ायदा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। वाई पे लेटर को क्यों यूज करना चाहिए, तो आप अगर कोई भी सामान को बाय किए हैं फिर उसको रिफ़ंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंस्टेंट रिफ़ंड का ऑप्शन है, वो बहुत जल्दी रिफ़ंड हो जाएगा। और साथ में आपको यहाँ पे जो है नो इंटरेस्ट फॉर 30 डेज है, आप 30 दिन के लिए आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, एक क्लिक में पेमेंट हो जाएगा। और जो आपका इम्प्रूव क्रेडिट स्कोर है, अगर आप इसका यूज करेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर और भी ज़्यादा हो जाएगा। अभी जैसे पहले फर्स्ट में हमको 1500 रुपया मिला, फिर 5,000 मिला और 5,000 से सीधा 20,000 हो गया, फिर 30,000 हुआ और अभी ये 50,000 हमको बढ़ करके हो गया। तो अगर आप इसको सही से समय समय पे भुगतान करते रहेंगे तो आपका ये स्कोर ऑटोमेटिक धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और आपका जो लिमिट है ये और ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे व्यू यूसेज का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मैंने इसका कोई अभी यूज ही नहीं किया, ये जैसे का वैसे ही है क्योंकि मेरे पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है तो ज़्यादातर मैं उसी का यूज करता हूँ। तो आपके पास अगर वो क्रेडिट कार्ड है तो आप उसी का यूज करें, उसमें 5% का कैशबैक भी मिल जाता है। तो इसके लिए ये भी ज़रूरी है, तो अगर कभी कदाल उससे यूज ना करें तो हम डायरेक्ट इसमें भी कभी कभी ऑफ़र आता है फ्लिपकार्ट पे लेटर में, तो इससे भी कभी कभी प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं। तो अब जो हमारा क्रेडिट है पहले 30,000 था और अब 50,000 हो गया। तो इस तरह से आप अपने फ्लिपकार्ट पे लेटर का जो क्रेडिट है उसको आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।